पार्टी हो रही जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। आज न्यू ब्लॉग बन रहा है तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज है, आज क्या है, आज ट्यूसडे। हमारे पास तुरई गोश्त का सालन बन रहा है। मेथी तुरई गोश्त यहाँ पे बन चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे चावल भी बन रहे, फिर आटा भी मैं गूंद के रख ली हूँ आटा। ओके, आज मैं चावल भी बना दे रही हूँ क्योंकि नेट का कुछ भी जो बचे हुआ चावल रहता ना वो नहीं है, इसलिए मैं चावल भी बना दे रही। साथ ही फिर मैं अब रोटी बना लूँगी। तुरई गोश्त का सालन तो बन चुका है। बहुत दिनों से आप लोगों को रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब्दुल खालिक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इसलिए मेरे पास फ़ोन नहीं रह रहा शूट करने के लिए। मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सक रही आज भी। और फिर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मैं रोटी सेक रही हूँ, मेरा पराठा है ये। अरे अब्दुल राजी उठ गए, हमारे अब्दुल राजी खबर मेरे उठ गए, मेरे अब्दुल राजी। यहाँ पे देखो सलाम करो, गुड मॉर्निंग। नाश्ता 11:30 बजे ये मैं लाई कल स्टैंड ऐसा रखने के वास्ते। दस्तरखान है ये नहीं हूँ, कल लेकर आए थे इसलिए लाई थी मैं ऐसा रखने के वास्ते। हाँ ये है मेरा नाश्ता, आ जाइए आप लोग अभी। ये है तुरई गोश्त, मेथी की भाजी, पराठा वो तो फुलका है ये, टमाटे की चटनी रात की। हमारे पास आया है अमूल का आइसक्रीम, फिर से आइसक्रीम लेके आए यू नो मेरे हस्बैंड, कल नाइट में लेके आए थे मगर बच्चे सब सो रहे थे इसलिए मैं नहीं खाए, ऐसे फ्रिज में रख डाली थी मैं। अब हम खाएंगे अमूल। यहाँ पे देखिए ओपन कर चुकी हूँ मैं, थोड़ा सा घुल गया कल से फ्रिज में था ना ये, जब का जब ला के खाते ना वो बात ही अलग रही थी। कल से बच्चे सब सो रहे थे इसलिए मैं नहीं खाए, ऐसे रख डाले थे हम, थोड़ा सा खुल गया फिर भी हम खा लेंगे। वैसे भी राजीव मलिक को बहुत खांसी भी है फिर सर्दी भी है, उन लोगों को दोनों को भी। आइए आप लोग अभी आइसक्रीम खाएंगे। ये है मेरा लंच, 5 बजे हम लंच कर रहे, आ जाइए आप लोग अभी लंच के लिए। अब्दुल राजीक और अब्दुल मलिक को दोनों हाथों को मेहंदी का डिजाइन डाली मैं, ऐसे ही मेरे को नहीं आता ऐसे ही डाल दी मैं। ये अब्दुल राजीक का लंच है, ऐसे ही बताओ मेहंदी का डिजाइन, बताओ फ्रेंड्स को बताओ। यहाँ पे देखिए वो हाथ ऐसे ही डाल दी, ये लो फैला लिए नो फैल गया था डिजाइन। मेरे बच्चियाँ हो गई इन लोग बच्चे जाके मेहंदी का डिजाइन होना इन लोगों को। अब्दुल मलिक का भी हाथ बताऊंगी मैं, दोनों को भी, दोनों फुल हाथों को डिजाइन डाल लिए। यहाँ पे बन रही है मेरी इवनिंग की चाय, वो भी ब्लैक टी। मैं आज ब्लैक टी पी लूँगी, अम्मी को मिल्क वाली बनाऊँगी, हाँ चाय बनाऊँगी, मैं ब्लैक टी पी लूँगी। इसमें नींबू डाल के पीते ना मस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो बहुत पसंद है। चाहिए कभी कभार पी लेना चाहिए ऐसा भी ब्लैक टी, क्योंकि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और कल मैं एक चीज़ लाई थी मैं, आप लोगों को नहीं बताई मैं, मैजिक स्लेट है, देखिए बताऊंगी मैं अब अम्मी के लिए, बना दूंगी मैं अब चाय बनाऊंगी अम्मी के लिए।
अम्मी नहीं पीते ब्लैक टी, फिर उनके लिए चाय बना दूंगी। चलिए अभी ये चाय पिए तक बोल दो, आप लोगों को मैं मैजिक स्लेट बताऊंगी कैसी है। आ जाइए आप लोग अभी ब्लैक टी पीने के लिए। देखिए ये मैजिक स्लेट है, ये अब लिखो, अब लिखो, लिख के बताओ। बताओ अब्दुल मलिक, ये नहीं जी ठहरो, अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक बोला हो जाता ऐसा, क्लीन हो गया देखिए ऐसा, फिर अब ये करो ऐसा, क्लीन हो गया ऐसा। फिर अब्दुल राजी का ये मेहंदी बताओ, मेहंदी बताओ, मेहंदी मेहंदी बताओ, यहाँ पे देखिए डिजाइन मेहंदी का डिजाइन, इन लोगों का ऐसे ही मेदाजी में बुनिया था मेहंदी का डिजाइन डालने के वास्ते, ऐसे इन लोग बच्चे जिद कर रहे थे, मैं ला ली थी इससे पहले ही, बहुत दिनों पहले ही। तो आज मैंने बच्चे को मेहंदी का डिजाइन भी डाल दी मैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास मेथी चॉप हो रही, और जो बिनिस की फली बोलते ना बिनिस, ये बिनिस की फली भी मैं चॉप कर लूँगी कल ब्रेकफास्ट के लिए। ओके अच्छा पी लो, तुम चाय पी लो, चाय पी लो, बैठो तुम बैठ के चाय पियो। ए मटन मेरे पास 1.5 किलो, मैं अभी ये कूटूंगी पनकुट्टी में, कुटेवा गोश बना रही हूँ मैं, ऐसा कूट लेना है ये इसको गोश को। ओके इसमें मेथी डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ मैं इसमें गोश में, हाँ डालो तुम डालो, कुटेवा गोश है बहुत टेस्टी होता है, मेथी डालना है जो मेथी कुटेवे गोश बहुत बोलते बहुत टेस्टी होता है, हाँ हाथ हाथ जाता हूँ। ओके फिर मिलूँगी। राजिक देखिए कूट रहे, कूटो कूटो, हाँ कूट देखे दे राजिक, कूट देखे दे। देखिए मैं बना रही हूँ मटन को, अच्छे से मैं कूट ली हूँ वो पनकुट्टी से। ओके ऐसे कूटे हुए गोश्त बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी बना के देखिए, बहुत बोलते बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे ऑयल भी हमारा हीट हो चुका है, अब हम डालेंगे मेथी, मेथी को अच्छे से मैं कट कर चुकी हूँ, मैं चॉप कर ली बारीक एकदम, फिर वाश भी कर चुकी हूँ मैं। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्ला करके, बिस्मिल्ला यहाँ पे देखिए मैं भाजी भी ऐड कर चुकी हूँ, भाजी को अच्छे से ये मेथी को अच्छे से हम तल लेंगे, फिर नमक भी इसमें ऐड कर चुकी हूँ मैं, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ओके 1 टीस्पून। यहाँ पे देखिए मैं हल्दी भी ऐड कर चुकी हूँ मैं, अब हम डालेंगे ग्रीन चिली 4 से 5, अब ऐड कर देंगे गोश्त, अब ऐड कर लेंगे हम रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून। ओके इसमें से मैं जिसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, ओके फिर इसको अच्छे से मैं पका लूंगी 5 मिनट्स, इसको गोश्त गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए मेरा मेथी गोश्त ना फ्राई बन चुका है माशाल्लाह, देखिए अब हम ये डिश आउट करेंगे। है मेरा फाइनल लुक मेथी गोश्त फ्राई, ओके चलो अपन मम्मा खाएंगे। चलिए हम अब डिनर करते हैं, उसके बाद मेरे को नमाज भी पढ़ना है ईशा की। ओके चावल भी हमारे बन चुके हैं, यहाँ पे देखिए चावल भी हमारे बन चुके हैं। ओके यहाँ पे थोड़े से चावल मैं बना रही हूँ फेस के लिए, ये चलिए ये है मेरा डिनर मेथी गोश्त फ्राई और तुरई गोश्त का। ओके डिनर कर लूँगी, उसके बाद ईशान की नमाज भी है, नमाज भी पढ़ लूँगी, उसके बाद एडिटिंग करूँगी।
अस्सलाम वालेकुम। ऐशा की नमाज भी पढ़ चुकी हूँ मैं, डिनर भी हो चुका है हम लोगों का, डिनर कर लिए हम लोग। फिर 11:30 हो रहे, अब मैं थोड़े से आप लोगों से बात करूँगी। सुबह से नहीं बात करी, थोड़ा सा मेरे को फीवर भी था आज, इसलिए सो गई थी। फिर मेथी जो गोश्त बनाई थी ना मैं, वो बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना। बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मेथी गोश्त फ्राई करना बोले, तो कुटे हुआ गोश्त का, मेथी गोश्त का जो सालन नहीं है होता, वो फ्राई है, वो तले हुआ गोश्त है, वो मेथी गोश्त का बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना। आप लोगों भी ट्राई करना। ओके, जो पनकुट्टी में रहता ना, पनकुट्टी में कूट लेना, उसके बाद फिर मेथी पहले डाल देना, मेथी को अच्छे से तल लेना है ऑयल में, फिर उसके बाद फिर गोश्त को ऐड कर देना है, फिर उसमें मिर्ची नमक अदरक लहसुन पेस्ट वगैरह डाल देना है, फिर थोड़ा सा उसको भूनना है, उसके बाद फिर पानी छोड़ना है। एक गिलास या उसके बाद ज़्यादा सख्त गोश्त रहा तो फिर 1.5 गिलास भी लगता है पानी, फिर उसके बाद सीटी लगा देना है, फिर 5-10 मिनट्स के बाद गल जाता गोश्त, उसके बाद थोड़ा सा भून लेना है, फिर होगा एमी। ये भी मज़े का एकदम माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना। और क्या, अब ये ब्लॉग को यहीं करते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे ब्लॉग और रेसिपीज अच्छी लगे तो रेसिपी को ट्राई करना, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मेरे न्यू कोई भी मेरे चैनल पे है। चलिए अब ये ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और मेरी रेसिपी को ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बना था, बहुत माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। मेरे ब्लॉग अच्छे लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे न्यू जो भी है मेरे चैनल पे, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी। जी बाबा, रखो रखो रख दो रख दो रख दो। नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट रेसिपी तक फिर मिलेंगे कुछ नया सा आप लोगों से शेयर करने के लिए। तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।